तो आज हम हमारे घर में बन रहे हैं मोमो। तो मोमो के लिए ये रहा कुछ गाजर के बहुत बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े, और इधर हमने काटा का पत्ता गोभी, बंद गोभी। तो इधर हमारे ताऊजी काट रहे हैं बीन्स, और ये देखिए कितने प्रोफेशनल की तरह काट रहे हैं। और ये हमारे ताऊजी, ये माने जाने शेफ है, इनकी डिमांड हर देश में रहती है। ये दुबई भी, इन्होंने दुबई में भी काम कर रखा है और बहुत बड़े शेफ है। 15 साल दुबई में काम करा है। ये देखिए कितना अच्छा काट रहे हैं, तब बारीक बारीक। अभी मोमो में जाएगा, ये देखिए कितने अच्छे से काट रहे हैं, एक एक को चुन चुन के। और हमारे ताऊ जी इतना तेज काट रहे हैं, वाह, कि मशीन भी फेल है इसके सामने, मशीन से भी तेज काट रहे हैं हमारे ताऊ जी। और ये देखिए कितना बारीक काट रखा है, थोड़ा सा भी मोटा दिखेगा तो आप बता देना। ये रहा अंजू, ये देखिए कितना बारीक काट रखा है, छोटे छोटे टुकड़े देख सकते हो। चाकू चलाने का स्टाइल ही कुछ अलग है। और ये देखिए कितना मस्त कट काट रहे हैं, कट 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 कट, और बहुत जल्दी भी कट रहा है। ये देखिए, हा 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 हा, और ये फटाफट कट रहा है, कट 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 कट। और इधर है हमारी कटी हुई बीन्स, ये बॉईल हो रही है अभी अच्छे से। और आप इधर देख सकते हैं हमारे ताऊ जी अभी मिर्चों में चीरा मार रहे हैं, इनका स्टाइल ही कुछ और है। और ये देखिए, तो इधर हमारे ताऊ जी काट रहे हैं मिर्च, ये देखिए कितनी तेज तेज। ये देखिए स्टाइल कितना मस्त है, और कितनी तेज काट रही है, और कितनी बारीक कट रही है। तो कोई तेज काटने जाए तो कम से कम मोटा कटे, और इससे थोड़ा स्लो ही होगा। नाइफ ले जाऊंगा ना अपना, फिर कटेगा तेज। ये तो हमारे घर का नाइफ है, ताऊ जी कह रहे हैं कि अगर वो अपना नाइफ लाएंगे तो इससे और तेज कटेगा। हमारे ताऊ जी बहुत तेज तेज काटते हैं, और पापा भी। ये देखिए, ये देखिए इसमें पूरा मिक्स कर दिया। और यहाँ पे कट रहा है प्याज, आपको ऐसा काटना है कुछ प्याज। ये देखो अभी और बारीक कटे गए, इसको बहुत पतला पतला चॉप करना है। ये देखिए कैसे चाकू एकदम स्मूथ चल रहा है, टक 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 टक, तीन चलता है फिर स्टॉप, टक 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 टक। ये देखिए, और इधर है चटनी बनाने का सामान सामग्री, अभी इसको मिक्स करके इससे चटनी बन जाएगी। और इधर ताऊ जी ने पूरा प्याज काट ही दिया है, ये देखो। और इधर अदरक छील है, अदरक को आपको कद्दूकस करना है, छीलना है पूरा अच्छे से। ये सारे यहाँ मोमोज की सामग्री है, बोल ऐसे बोल, सारे मोमोज की सामग्री मसाले अंदर के तैयार हो। और ये सारे मोमोज के मसाले तैयार हो चुके हैं, और इधर चटनी डाल देनी है, रख दिए हमने। ये देखो, और ये रहा सारा मैदा, अभी हमने मैदा को ऐसे कुछ काट दिया है, ये देखिए ऐसे मैदा। और ये रहा हमारा सामग्री, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इधर है हमारा मैदा, इधर हमारी मम्मी इसको बेल ली है, और इधर बेले हुए हैं हम। दोबारा देखो फिर,
ये देखिए गुजिया सामग्री भर के मैदा। अरे कुछ बना दो मोमो क्या मोमो ठीक है क्या ये टेस्ट आने वाला है इसका। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मसाला और ये देखिए ताऊजी हमारे कितने अच्छे से कर रहे हैं। ये देखिए पोटली वाले मोमोज और ये देखिए अभी हम मोमोज को अपने करने वाले हैं बॉईल पकाने वाले हैं। ये देखिए पापा ने रख दिया इसे भाप आ रहा है। ये देखिए पापा कितने अच्छे तरीके से रख रहे हैं और मोमोज आ हा 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 क्या ही स्वाद आ रहा है इनका आएगा। हम तो देख के इतने अच्छे लग रहे हैं तो सोचो खाने में कितना स्वाद आएगा। ये देखिए पोटली वाले मोमो गोल वाले मोमो ये देखो ये देखिए कितने अच्छे से रख रहे हैं मोमो इधर। नहीं ये गीला है। कितने अच्छे से मोमो बन भी रखे हैं। और बताइए पापा जी आपको कैसा लग रहा है। मजा आ गया भाई मार्केट से भी अच्छा बना है आज इतना टेस्ट मैं पहली बार खा रहा हूँ। सच बताओ पापा कैसा लगा। बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो रखे एकदम ऐसा मोमो मैंने आज तक कभी नहीं खाई जिंदगी में पहली बार खा रहा हूँ ऐसा मजा ही ज्यादा आ गया। ये देखिए कितने अच्छे मोमो है। वाह कितना स्वादिष्ट है मजा आ गया। ये देखो नॉन वेज इसके सामने बिल्कुल फेल है एकदम वेज भी इतने अच्छे हो रहे हैं। वाह मजा ही आ गया भाई आप तो बस हाय हाय टेस्टी टेस्टी वाह मजा। तभी तो ये गोवा में काम करते थे इतना अच्छा अच्छा वाह मजा आया। तभी बाहर देश में जाते हैं।